गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कपिल कछौरिया, इंग्लिश प्रोफेसर, एक बार फिर आपका हमारे पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो मेरे जो पुराने वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग ग्रामर फैमिली में नाउन की एक्सरसाइज का डिस्कशन कर रहे थे। तो जो ये एक्सरसाइज है वो ना केवल हमारे ग्रुप ऑफ कॉलेज के प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए है, बल्कि हर एक उन एस्पायरेंट के लिए, हर एक उन स्टूडेंट के लिए है जो इंग्लिश ग्रामर को बेसिक से सीखना चाहते हैं। और आप मेरा ये वीडियो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी काम की चीज़ें मिलेंगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यू नो नेक्स्ट वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही मिलेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी नाउन की एक्सरसाइज 8 है, और आप लोग ध्यान से देखिएगा सब, बहुत आसानी से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चीज़ों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते, रिजॉल्व कर सकते, अगर आपके एग्ज़ाम में इसी तरीके के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जो पहला सेंटेंस है वो है व्हाट द पीपल्स थिंक आई कांट से। ठीक है, तो लोग क्या सोचते हैं मैं नहीं कह सकता, हमारा जो सेंटेंस है वो ये है कि लोग क्या सोचते हैं मैं नहीं सोच सकता। तो हमने इसमें जज क्या करना है, हमने करेक्ट करना है, यानी रीराइट करना है सेंटेंस को। और बहुत आसान है, आसान इसीलिए है क्योंकि आप अगर जज कर पाओ इस सेंटेंस में, तो इस सेंटेंस में बहुत सीधी सी मिस्टेक है जो जज करने को मिल पा रही सारे स्टूडेंट को। देखो यहाँ पर लिखा है प्यूपल्स, जो कि गलत है नाउन के लिहाज से, क्योंकि प्यूपल्स कभी होता ही नहीं है। तो हम लोग को करना कुछ नहीं है, इसमें से एस जो है उसको रिमूव कर दीजिए, एस को, और आपका ये सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से इस सेंटेंस को रीराइट कर सकते हैं। ठीक है, और एक पैटर्न तो ये है, दूसरा पैटर्न इस तरीके से आता है अगर ऑब्जेक्टिव में आता है कि मान लो 1, 2, 3, और यानी कि ए बी सी और डी ऑप्शन में आपका आएगा नो एरर, कि कोई भी एरर नहीं है सेंटेंस में। तो अगर इस तरीके का सेंटेंस आएगा तो आपको पता है कि बी के ऊपर, देखिए बी के नीचे प्यूपल लिखा हुआ है, राइट, तो प्यूपल्स लिखा हुआ है जो कि गलत है। तो आप आंसर में लगाएंगे अपना बी और आप वहाँ से एरर को करेक्ट कर लेंगे, तो ये भी आपका इस तरीके से जो आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हु ओन्स दीस पोल्ट्रीज, ये भी नाउन का एरर है। कुछ नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होते, वो सिंगुलर ही काम करते हैं और एज अ कलेक्टिवली काम करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो पोल्ट्रीज ऑप्शन है वो गलत है। पोल्ट्री का मतलब होता है जैसे जहाँ पर मुर्गा पालन होता उसको हम लोग पोल्ट्री बोलते हैं। ठीक, तो आप लोग घबराइएगा नहीं ये सोच के कि सर ये क्या है। चलिए, तो अब इसमें जो गलत है वो क्या है, ये वाला वर्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा के इसमें पोल्ट्री कर दीजिए सीधा सीधा। ठीक है, आपका ये सेंटेंस भी हो जाएगा सही, यानी कि आपको आई एस नहीं लगाना है, पोल्ट्री लिखना है और आपका सेंटेंस हो जाएगा सही, हु ओन्स दीस पोल्ट्री। ठीक है, वेल नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही इज माय कजन ब्रदर। अब ये सेंटेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये 4-5 बार पूछा जा चुका है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता, कहते सर सब तो सही है, इसमें आखिर गलत है क्या। तो ही इज़ माई कज़न ब्रदर का मतलब है यह है, वह है मेरा चचेरा भाई है। तो देखो जज करने वाली बात यह है, गलत क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा है ही, तो ही का मतलब क्या होता है, लड़का। तो जब ही ऑलरेडी बता रहा कि लड़का है तो हमें यहाँ पर ब्रदर लगाने की ज़रूरत क्या है, समझ पा रहे हैं इस बात को, क्योंकि ही इज़ अ प्रोनाउन एंड दैट शोज़ कि हम लोग किसी मेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, किसी मेल की। तो यहाँ पर ऑलरेडी ही है और यहाँ पर ब्रदर है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जब ऑलरेडी यहाँ पर ही है तो हम लोग यहाँ पर ब्रदर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ओनली ही इज़ माई कज़न, बस सिंपल। और ब्रदर यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए, ये सेंटेंस भी आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद है हाउ मैनी थ्रीज आर देयर इन 3-1-3-1-3। तो हाउ मैनी थ्रीज यानी कितने थ्री हैं
31313 में। सो सवाल ये है इस तरीके का, मतलब इस तरीके का सेंटेंस है। अब देखना है इसमें सेंटेंस सही है या गलत है, तो वो जो एरर है वो इस वाले न्यूमेरिक वैल्यू में है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इसको आपने सही करना। तो इसको आप सही किस तरीके का करोगे, यहाँ लिखो 3, ठीक है, और यहाँ पर आप लिखो एस, और यहाँ पर आप लगा दो अपोस्ट्रॉफी एस, जिसको हम कहते हैं ना, मतलब एस के बाद। तो आपका ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हाउ मैनी थ्रीज आर देयर इन 31313, सो आंसर वुड बी 3, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी कैटल्स यू हैव, ये मतलब आपके पास कितने मवेशी हैं, कितने जानवर हैं। कैटल्स का मतलब क्या होता है, जानवर। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो कैटल होता है वो अपने आप में प्लूरल वर्ड है, प्लूरल वर्ड मतलब प्लूरल नाउन है, उसमें एस लगाने की कभी भी ज़रूरत नहीं होती। तो हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर कैटल है उसमें से एस को रिमूव कर देंगे और आपका सेंटेंस हो जाएगा सही, ठीक है। अच्छा चलिए, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव ओनली 10 5 रुपीज़ नोट्स, तो मेरे पास केवल 10 5 के नोट हैं, मेरे पास केवल 10 5 के नोट हैं। अब एरर क्या है, नाउन का एरर है। तो देखिए ये वाला जो सेक्शन है ये गलत है, क्यों है इसको समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया, 10, 5 रुपए के नोट हैं, तो हमें यहाँ पर एस की क्या ज़रूरत है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ आई हैव ओनली 10 5 रुपी, और क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्लूरल है, नेक्स्ट वाला जो वर्ड है वो क्लियर कर रहा है इस बात को, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ओनली, आई हैव ओनली 10 रुपी नोट्स, तो आपका ये सेंटेंस भी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज रिटन अ नाइस पोएट्री, वह बहुत अच्छी पोएट्री लिख चुका है। अब ये सेंटेंस भी बहुत आसान है, लेकिन आपको लग रहा होगा सही है लेकिन सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, आप इसको जज कीजिए कि वह बहुत अच्छी पोएट्री लिख चुका है। तो देखिए यहाँ पर लगा हुआ है एक आर्टिकल या एक आ, आ का मतलब होता है एक, तो अगर उसने एक ही पोएट्री लिखी है तो पोएट्री तो अपने आप में एक कलेक्टिव वर्ड है, तो जब पोएट्री अपने आप में एक कलेक्टिव वर्ड है तो हम लोग यहाँ पर ए का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ही हैज़ रिटन नाइस पोएट्री, या तो ए हटा दो, और अगर आपको ए नहीं हटाना तो आप लिखो यहाँ पर ही हैज़ रिटन अ नाइस पोएट्री, को हटा के कर दो आप पोएम, पोएट्री को कटा कर दो आप पोएम, तो आपका ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चल, टुडे आई हैव रिसीव्ड 2 मंथ्स वेजेस, सेम बात है यहाँ पर, देखो यहाँ पर 2 लगाया है, यानी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, तो जब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है तो हमें यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी एस की ज़रूरत नहीं है, समझ पा रहे। यानी आज मैं 2 महीने का वेजेस, यानी कि 2 महीने के खर्चे प्राप्त कर चुका हूँ, 2 महीने की सैलरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ यही कहेंगे कि 2 महीने की आप अपनी सैलरी या मतलब सैलरी टाइप खर्चे प्राप्त कर चुके हैं, वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर गलत क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी एस को हटा दो तो आपका ये वाला आंसर भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी के जो नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल हैं 9 और 10, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा, मतलब वैसे ही है जैसे मैंने आपको अभी बताया है, और मैं आपको पैटर्न पहले भी समझा चुका हूँ कि ये इस तरीके से तो आते ही हैं, और इसका जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए पहला है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी इसी तरीके के सेंटेंसेस लिखे होंगे, आपको उसे रीराइट करना है, यानी उसे सही लिखना है, कहाँ एरर है उसके साथ आपको जज करके उसे सही करना है। दूसरा, अगर आप किसी कॉम्पिटिशन में बैठे हैं जहाँ पर इंग्लिश एक सेक्शन है जो कि बहुत ही क्रूशियल हो जाता है आपके लिए, क्यों, क्योंकि आप लोगों के बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो अच्छे होते हैं लेकिन इंग्लिश की वजह से अगर आपको सिर्फ उसमें पासिंग मार्क्स भी चाहिए हो तो नहीं मिलते। तो अगर इसी तरीके के सेंटेंस आते हैं उसमें तो वो एरर में भी हो सकता है। एरर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सपोज जैसे यही सेंटेंस ले लो, टुडे आई हैव रिसीव्ड 2 मंथ्स वेजेस, ठीक है। तो अगर आप इस सेंटेंस में देखो, उन्होंने यहाँ पर लिख कर दिया ए इतने में, यहाँ पर कर दिया उन्होंने बी, यहाँ इतने में कर दिया उन्होंने सी, और डी वाले ऑप्शन में उन्होंने दे दिया नो एरर, यानी इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। और नो एरर लगाने के लिए, टिक करने के लिए ना बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये जज कर पाना कि इसमें एरर है या नहीं है। और हर बार जब भी कोई भी इस तरीके का पैटर्न डिज़ाइन होता है, इस तरीके का पैटर्न होता ही अमूमन,
तो नो एरर वाले क्वेश्चन एक दो जरूर मिलते, तो आपको बहुत शार्प नॉलेज चाहिए कि एरर नहीं है, और अगर एरर है तो फिर आपको बताना ही पड़ेगा। तो जैसे ये वाला है तो आपको इसमें सी पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि मंथ्स वाला जो सेक्शन है वहाँ पर गड़बड़ है, तो ये दूसरा पैटर्न है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पैटर्न बन जाता किस तरीके से, सपोज कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर उन्होंने लिख दिया ही इज़ रिटन, उसके बाद में उन्होंने दे दिया डैश और नाइस पोइट्री। अच्छा, अब यहाँ पर नाइस पोइट्री लिखा तो नाइस पोइट्री नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होगा, तो इधर कर देंगे वो पोएम, ठीक है। और पोएम के बाद फिर बीच में आपको चार ऑप्शन दे देंगे, तो आपको वहाँ पर ए क्लिक करना होगा, यानी ए ऑप्शन आपको सही बनाना होगा। तो इस तरीके से यही सेम क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डिज़ाइन हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक्स आते हैं, क्योंकि बेसिक्स नेवर चेंज, क्योंकि कोई भी जो सब्जेक्ट होता है, इनफैक्ट कोई भी गेम होती है, उसका बेसिक्स नहीं बदलता, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस अपडेट हों और आप उसे भी आसानी से देख सकें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड हैव अ नाइस डे।